मध्य प्रदेश टेनिस वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव मुकेश बाथम ने जानकारी देते हुए बताया कि 21वीं राष्ट्रीय टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन गुजरात राज्य के बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट में दिनांक 8 नवंबर 2019 से 11 नवंबर 2019 तक कराया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, मणिपुर, उड़ीसा, दादर नगर हवेली, मुंबई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरला सहित 16 राज्यों के 350 बालक बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का जूनियर वर्ग का पहला सेमीफाइनल मैच बालक वर्ग में मध्य प्रदेश वर्सेस मुंबई के बीच हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश टीम ने मुंबई को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसी वर्ग में दूसरा सेमीफाइनल गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र के बीच हुआ, जिसमें महाराष्ट्र ने गुजरात टीम को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं प्रतियोगिता का जूनियर बालक वर्ग में फाइनल मैच मध्य प्रदेश वर्सेस महाराष्ट्र के बीच में हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश टीम में डबरा नगर के अभिषेक मांझी, अमित राय, सुमेर, लोकपाल जाटव में महाराष्ट्र टीम को 2-0 से हराकर फाइनल मैच जीतकर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल मध्य प्रदेश टीम को दिलाया। वहीं प्रतियोगिता के सब जूनियर बालक वर्ग में मध्य प्रदेश की टीम में डबरा नगर के आदेश जाटव ने हार्ड लाइन में मैच में उड़ीसा टीम को 2-0 से हराकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में उपस्थित अतिथियों द्वारा प्रतियोगिता मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में डबरा नगर से सरील शिवहरे और शुभम जैन ने निर्णायक की भूमिका निभाई। वहीं मध्य प्रदेश टीम के बालक और बालिका वर्ग में कोच रूप से जसवंत बाथम, हर्षल ठाकुर, मोहित गिरी, काजोल यादव, जितेंद्र पवार, प्रदीप केसरवानी टीमों के साथ उपस्थित रहे। अरे यार क्या, दूसरा मैच हुआ है अच्छा खेल रही है। और लड़के कहाँ तुम्हारी चेहरा करने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्मारक है जो टीम हुए हैं टूर्नामेंट में, उसके टीम मैनेजर और कोच।